नमस्कार। दूरदर्शन शिमला पर डीडी क्विज शो लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं कुछ नए सवालों और नई टीम्स के साथ। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज से शुरू हो रहा है डीडी क्विज शो का एक न्यू लेवल। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यू लेवल क्या है, है ना? तो आपको हम बताते हैं कि आज से हमारे साथ होंगी विनर टीम्स। जी हाँ, 21 टीम्स जो अब तक आप देख चुके हैं डीडी क्विज शो में, वो टीम्स लेकर के हम आए हैं अब से और आएंगे आगे आने वाले भी एपिसोड्स में। और उन टीम्स में से हम पहुंचेंगे हमारे सेमीफाइनल राउंड्स तक, वो भी 9 टॉप टीम्स के साथ। तो आज एक नए अंदाज में, एक नए लेवल पर हम डीडी क्विज शो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये शो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आज जो तीन टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं वो कहाँ से आई हैं। हमारे साथ आज तीन टीम्स जो शामिल हैं उनमें हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंट, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ममलीग और गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर। आइए इससे ज़्यादा आपका तारुफ करवाते हैं इन टीम्स के साथ और चलते हैं टीम ए के पास। माय नेम इज निरंजन ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंट। माय नेम इज यश ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंट। और टीम बी में हमारे साथ कौन है, चलिए इनसे भी आपको मिलवा देते हैं। I am Moni Sharma and I am from Government Senior Secondary School, Mamlig. I am Shivani Panwar. I read in Government Senior Secondary School, Mamlig. और अब चलिए मिलते हैं टीम सी से। Hi, this is Shalu Jaswal from Government Model Girls Senior Secondary School, Portmor. My name is Kritika and I am from Government Model Senior Secondary School, Portmor. आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस शो पर। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आज से हर एपिसोड में हमारे साथ होंगी तीन नई टीम्स, वो भी तीन डिफरेंट स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। खैर, शो हमारा एक बार फिर बताना चाहेंगे, इसमें जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे। हमारे पास होंगे 4 राउंड्स जिनमें शामिल रहेंगे करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जीके और एंटरटेनमेंट। हर एक राउंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल और हर एक सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। याद रखिए, राउंड 4 रहता है थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये होता है एंटरटेनमेंट का राउंड। और इस राउंड में जाते ही आपका रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। राउंड 4 में आप अगर बजर प्रेस करने के बाद देते हैं कोई गलत जवाब तो आपके टोटल पॉइंट्स में से हो जाते हैं -50। और हर एक सही जवाब पर नो डाउट आप जीतेंगे 100 पॉइंट्स। तो एक बार फिर हमने ये रूल्स याद करवा दिए सभी टीम्स को। तो सभी टीम्स, क्या हम आज का ये एपिसोड स्टार्ट करें? Yes, ma'am. चलिए, तो हर बार की तरह राउंड 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है करंट अफेयर्स का राउंड। और करंट अफेयर्स के पहले सवाल के लिए हम जाते हैं टीम ए के पास। टीम ए, गौर से सुनिएगा सवाल भी और उसके ऑप्शंस भी। आपका सवाल है, ग्रुप 7 कंट्रीज की 44वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इटली, सी कनाडा या फिर डी फ्रांस। फ्रांस। और फ्रांस के साथ ही टीम ए, आपने मौका दिया है टीम बी को 50 बोनस पॉइंट जीतने का, क्योंकि ये जवाब सही नहीं है। टीम बी, जर्मनी। और श्योर है टीम बी? आपने भी ये मौका गंवाया फिलहाल बोनस पॉइंट जीतने का। और ये सवाल लेकर चलते हैं अब टीम सी के पास और देखते हैं क्या वहां हमें सही जवाब मिलता है। टीम सी, कनाडा। सही जवाब, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। टीम बी, आपका सवाल है, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, इससे पहले ये सम्मान किसे हासिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सैयद अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार बैनर्जी
या फिर ऑप्शन डी सैयद नईमुद्दीन। सैयद नईमुद्दीन ऑप्शन डी सैयद नईमुद्दीन। और टीम बी, ये भी सही जवाब नहीं है। आपने एक बार फिर मौका दिया है टीम सी को और इस बार बोनस पॉइंट है 50। बाईचुंग भूटिया बी। श्योर है आप लोग? श्योर है? तो 50 बोनस पॉइंट्स आपकी टीम सी। टीम सी, फिलहाल आपने दोनों ही सवालों के बोनस पॉइंट्स जीते हैं। अब देखते हैं जो आपके लिए सवाल आ रहा है 100 पॉइंट्स का, उसका क्या होता है। गौर से सुनिएगा। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया और पहली बार ये दिवस किस वर्ष में मनाया गया आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2017 या फिर डी 2018। श्योर है आप लोग? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो ठीक है, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स और ये सही जवाब। इस राउंड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक बार फिर टीम ए के पास 100 पॉइंट्स लेकर। टीम ए, आपका सवाल है, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए गोवा, बी मणिपुर, सी राजस्थान या फिर डी झारखंड। मणिपुर। श्योर है? सही जवाब। 100 पॉइंट्स आपके टीम में। खैर, इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल के साथ टीम बी के पास। टीम बी, आपका सवाल है, प्रेडो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी स्वीडन या फिर डी ब्राजील। ऑप्शन ए। तो 100 पॉइंट्स आपके क्योंकि ये है सही जवाब। और अब इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन टीम सी से। नीदरलैंड चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट 2018 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सरदार सिंह, बी वीरेंद्र लाकड़ा, सी पी आर श्रीजेश या फिर डी चिंगलेनसाना सिंह। ए। श्योर? यस मैम। और यहां आप चूक गए टीम सी। खैर, आपने मौका दिया टीम ए को 50 बोनस पॉइंट जीतने का और टीम ए, आपका जवाब सी। सी पी आर श्रीजेश। यस मैम। ये है सही जवाब। 50 बोनस पॉइंट आपके। इसी के साथ राउंड वन होता है यहीं पर खत्म और राउंड टू में जाने से पहले एक बार जाने किस टीम ने जीते हैं कितने पॉइंट्स। और राउंड वन के एंड होते ही बताना चाहेंगे, भोंट स्कूल ने अब तक जीते हैं 150 पॉइंट्स। ममलीग स्कूल है 100 पॉइंट्स पर। वहीं सबसे आगे चल रही है टीम सी यानी पोर्टमोर स्कूल 175 पॉइंट्स के साथ। खैर, राउंड्स अभी और भी बहुत हैं और ये टक्कर कितनी कड़ी होती है, कितना कड़ा मुकाबला होता है, ये तो जैसे जैसे राउंड्स एंड होते जाएंगे वैसे वैसे हम सभी को पता चलता जाएगा। खैर, अभी चलते हैं राउंड टू में जो है स्पोर्ट्स राउंड। और स्पोर्ट्स राउंड का पहला सवाल टीम ए से। टीम ए, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चाइना, बी इंग्लैंड, सी जापान या फिर डी रशिया। इंग्लैंड। सही जवाब। 100 पॉइंट्स आपके। अब चलते हैं टीम बी के पास और इनका सवाल है, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच की सामान्य विधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 35 मिनट्स, बी 50 मिनट्स, सी 60 मिनट्स या फिर डी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। श्योर है?
100 पॉइंट्स आपके भी। और टीम सी अब आप तैयार हो जाइए, आपके लिए सवाल आ रहा है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ए 11 गज, ऑप्शन बी 8 गज, ऑप्शन सी 7.5 गज, या फिर ऑप्शन डी 8.5 गज। 8.5 गज। श्योर है आप टीम सी? इसी के साथ आपने मौका दिया खैर टीम ए को 50 बोनस पॉइंट जीतने का, क्योंकि ये सही जवाब नहीं है। टीम ए ऑप्शन बी। श्योर है? यस मैम। श्योर है और 50 बोनस पॉइंट हुए आपके टीम ए। खैर टीम सी को कड़ी टक्कर टीम ए फिलहाल दे रही है, और अभी टीम ए के पास चलते हैं 100 पॉइंट्स का हमारा अगला सवाल लेकर। टीम ए, किस महाद्वीप में अब तक ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ये इसका सही जवाब नहीं है टीम ए, आप चूक गए और आपने मौका दिया है टीम बी को। टीम बी अफ्रीका। अफ्रीका है सही जवाब, आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट्स। टीम बी आपसे हमारा सवाल, बॉक्सिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेंज, बी वेलोड्रम, सी रिंग, या फिर डी रिंक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रिंक। श्योर? यस मैम। 100 पॉइंट्स आपके टीम बी, वेल डन। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं टीम सी के पास, इस राउंड का ये है लास्ट क्वेश्चन। टीम सी, क्रिकेट ग्राउंड में स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ए 19 इंच, बी 27 इंच, सी 18 इंच, या फिर डी 36 इंच। मैम 18। ऑप्शन सी 18 इंच। और ये भी सही जवाब नहीं है टीम सी। खैर आपने एक बार फिर मौका दिया टीम ए को 50 बोनस पॉइंट्स जीतने का। टीम ए 19 इंच। आप भी चूक गए टीम ए, और आपने मौका दिया टीम बी को 25 बोनस पॉइंट्स जीतने का। 27 इंच। सही जवाब, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। और राउंड टू के एंड होते ही किस टीम ने जीते हैं कितने पॉइंट्स, आइए अब आपको ये बता देते हैं। टीम ए ने जीते हैं 300 पॉइंट्स। टीम बी सबसे आगे चल रही है 375 पॉइंट्स के साथ। और टीम सी ने जीते हैं 175 पॉइंट्स। और हम आ पहुंचे हैं राउंड थ्री में, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि राउंड फोर तक जाते जाते बहुत कुछ फेरबदल होने वाला है पॉइंट्स में। तो अभी राउंड थ्री के बाद क्या होता है ये तो पता चलेगा बाद में ही, फिलहाल इस राउंड की शुरुआत करते हैं टीम ए से। टीम ए, याद दिलाएं आप सभी टीम्स को, ये है जनरल नॉलेज का राउंड, आओ जाने अपना हिमाचल। और पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं टीम ए, फेमस विक्टोरिया ब्रिज किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रावी, बी व्यास, सी सतलुज, या फिर डी यमुना। 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 ये जवाब सही नहीं है टीम ए, आपने मौका दिया टीम बी को 50 बोनस पॉइंट जीतने का। टीम बी रावी। रावी भी इसका सही जवाब नहीं है टीम बी, कोई बात नहीं, चलते हैं टीम सी के पास 25 बोनस पॉइंट्स। सही जवाब, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। जिला मंडी में है ये ब्रिज, और इसी के साथ चलते हैं हम टीम बी के पास हमारा अगला सवाल लेकर। सवाल है, हिमाचल को मिट्टी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4।
हम साथ साथ नहीं है इसका सही जवाब है और चलते हैं हम टीम सी के पास 50 बोनस पॉइंट्स लेकर. ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4. आप भी चूक गए टीम सी और ये सवाल जाता है 25 बोनस पॉइंट्स लेकर टीम ए के पास. 3. और ये भी सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है 5. फिलहाल इस सवाल के लिए किसी टीम ने कोई पॉइंट नहीं जीते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि मिट्टी के आधार पर हिमाचल की भूमि को 5 भागों में बांटा गया है, जो है निम्न पहाड़ी मिट्टी, मध्य पहाड़ी मिट्टी, उच्च पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और शुष्क पहाड़ी खंड. खैर चलते हैं टीम सी के पास. टीम सी आपका सवाल है, बाबा काशीराम का जन्म स्थल कहाँ है? ए सिरमौर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कांगड़ा या फिर ऑप्शन डी सोलन. कांगड़ा. श्योर है? यस सर. और 100 पॉइंट्स आपके पास. बाबा काशीराम का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को देहरा गोपीपुर में. और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेकर चलते हैं टीम ए के पास. टीम ए, हिमाचल में हेली टैक्सी सर्विस कब शुरू हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 जून, बी 4 जून, सी 5 जून या फिर डी 6 जून. ऑप्शन डी 6 जून. और ये सही जवाब नहीं है. आपका सवाल जाता है टीम बी के पास 50 बोनस पॉइंट्स लेकर. 4 जून. सही जवाब, आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट्स टीम बी. इसी के साथ चलते हैं हम अगला सवाल लेकर टीम बी के पास और आपका सवाल है टीम बी, पंडित पद्मदेव का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिरमौर प्रजामंडल, बी कांगड़ा आंदोलन, सी कुनिहार संघर्ष या फिर डी मंडी कॉन्फ्रेंस. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कुनिहार संघर्ष, ये है सही जवाब, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स टीम बी. 1939 में प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने राणा को एक मांग पत्र सौंपा था जिसमें गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई तथा भूमि कर में 25% की कमी की मांग की गई थी. इसकी अध्यक्षता पंडित पद्मदेव ने की थी. अब चलते हैं अगले सवाल के साथ टीम सी के पास. सौरभ कालिया किस लिए जाने जाते हैं? ए चिकित्सा, बी खेल, सी शौर्य या फिर डी जनसेवा. शौर्य. सही जवाब, 100 पॉइंट्स आपके. और इसी के साथ राउंड 3 भी होता है यहीं पर खत्म. और किस टीम ने जीते हैं, कितने पॉइंट्स, आइए अब आपको बता देते हैं. स्कोर्स हैं टीम ए 300 पॉइंट्स पर, टीम बी है सबसे आगे 525 पॉइंट्स के साथ और टीम सी है 400 पॉइंट्स पर. और फाइनली हम आप पहुंचे हैं राउंड 4 में, जो है एंटरटेनमेंट का राउंड. और इस राउंड में अक्सर ये होता है कि जीतती हुई टीम हार जाती है और हारती हुई टीम जीत जाती है. तो हम ये राउंड क्या स्टार्ट करें टीम्स? यस मैम. चलिए पहला सवाल, सभी टीम्स गौर से सुनिए, बजर्स के साथ रेडी रहिए. आपका सवाल, फर्स्ट बॉलीवुड मूवी जो कि स्पोर्ट्स थीम पर बेस्ड है उसका क्या नाम है? और सबसे पहले बजर प्रेस किया है टीम बी ने. टीम बी चक दे इंडिया. कोशिश किया आपने, थोड़ा रिस्क लिया है और इस रिस्क में आपने अपने 50 पॉइंट्स गंवा दिए हैं. और इसका सही जवाब है अव्वल नंबर, जिसे बनाया देवानंद ने. ईयर था 1978 और इस मूवी में नजर आए आमिर खान देवानंद के साथ. खैर चलते हैं अगला सवाल लेकर इन टीम्स के पास. और टीम्स आपके लिए सवाल है, जून 2018 में किन दो बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार्स की मूवी रिलीज हुई है? नो बसेस,
जो दो बड़े बॉलीवुड स्टार्स कहलाए जाते हैं बॉक्स ऑफिस के सुपर हीरोज, वो हैं रजनीकांत और सलमान खान। रजनीकांत की मूवी काला रिलीज हुई 7 जून को, जबकि सलमान खान की मूवी रेस 3 रिलीज हुई जून 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरे की वेडिंग मूवी में गीत कैरेक्टर किसने प्ले किया है? इसका सही जवाब है कृति खरबंदा। अब हम चलते हैं अगले सवाल के लिए। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, सवाल उसके बाद पूछा जाएगा। अब आइए मिलकर देखते हैं ये इमेज। टीम्स बजर्स के साथ रेडी रहिए। सवाल है, ये जो इमेज आपने देखी है किनकी वो इमेज है? टीम सी ने सबसे पहले बजर प्रेस किया है, तो चलते हैं टीम सी के पास और जानते हैं उनका जवाब। मैम शिखर धवन। सही जवाब, 100 पॉइंट्स आपके। और अब अगला सवाल जानने से पहले सुनवाते हैं आपको एक ऑडियो क्लिप सवाल से। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। आप सभी ने ये ऑडियो क्लिप सुना, सब लोग बजर्स के साथ रेडी रहे। सवाल है, इसमें जो आपको आवाजें सुनाई दी हैं उनमें से लीड सिंगर कौन है? टीम बी ने बजर प्रेस किया है, आतिफ अली। खैर ये जवाब सही नहीं है टीम बी, और आपके -50 होते हैं। एक बार फिर टीम सी ने भी बजर प्रेस किया है, चलते हैं टीम सी। मैम आतिफ असलम। सही जवाब, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स टीम सी। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन बेस्ड है एक वीडियो क्लिप पर, आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, सवाल उसके बाद में। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल तो ना साथ मेरे। सवाल, इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाले एक्टर का नाम क्या है? एक बार फिर बजर प्रेस किया है सबसे पहले टीम बी ने, टीम बी। सुशांत। सही जवाब, सुशांत सिंह राजपूत है सही एक्टर का नाम। और इसी के साथ यहां इस शो के सभी राउंड्स होते हैं खत्म, और क्या है फाइनल स्कोर्स आइए ये जानते हैं। और आज के फाइनल स्कोर्स हैं, टीम ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंट है 3rd पोजीशन पर 300 पॉइंट्स के साथ। सेकेंड पोजीशन पर है टीम बी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ममलीग 525 पॉइंट्स के साथ। वहीं पर जाहिर है आज की विनर टीम है टीम सी गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर 600 पॉइंट्स के साथ। यानी कि टॉप 9 टीम्स में से आज एक टीम हमें मिल गई है सेमीफाइनल राउंड के लिए। खैर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया कि आप सभी यहां पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, जरूर आप हमें लिख करके भेजें अपने फीडबैक्स के जरिए हमारे मेल आईडी पर जो है ddquizshow@gmail.com। याद दिलाएं, आप ये शो देख सकते हैं हर सोमवार शाम 6 बजे दूरदर्शन शिमला पर, और इसका पुनः प्रसारण
हर वीरवार 3:30 पर। इन केस आप ये शो मिस कर देते हैं दूरदर्शन शिमला पर, तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप ये शो सर्च कर सकते हैं YouTube पर भी, कभी भी किसी भी वक्त। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपको सर्च करना होगा डीडी क्विज शो 2525। जी हाँ, ये है आज का एपिसोड नंबर। अपने फीडबैक्स हमें जरूर दें आप। एक बार फिर हाजिर होंगे हम कुछ नए सवाल और नई टीम्स के साथ। तब तक दें इजाजत, नमस्कार। हमारे साथ हैं कुछ नई टीम्स नए सवालों के साथ। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जीके और एंटरटेनमेंट। टीम बी, चर्चित ऑपरेशन ऑल आउट किस राज्य से संबंधित है? 18 जून। हिमाचल प्रदेश में एम्स बनना कहां प्रस्तावित है? दिवाली। सवाल है हमारा, महिला T20 विश्व कप 2018 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जम्मू। राइट आंसर, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। सबसे पहले टीम ए ने बजर प्रेस किया है, तो मौका टीम ए के पास। जेनेलिया।